अगर हम दूध की तुलना शराब के साथ करेंगे तो बेटर क्या होगा? शराब ही होगा। नहीं, पीने के बाद क्या हो जाता है कि दुनिया का शहंशाह बन जाते, राजा बन जाते, नहीं बन जाते? अपने यहाँ बंद है लेकिन मिलता है, सब जान रहे हैं, सबको पता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए क्या कहना चाह रहे थे कि जहाँ पे शराब को फ्री है, बेचने का नियम है, कानून है, तो वहाँ पे भी अगर शराब को किसी जंगल में खोल दिया जाए, जंगल से जंगल होगा, लोग खरीदने वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आप दूध बेचने के लिए किसी जंगल में बैठ जाइए, कोई खरीदने जाएगा? तो कबीर दास आज से उतना दिन पहले बता दिए थे कि मिल्क जो है, दूध है, लोग को घर घर पहुँचाना पड़ेगा और शराब खुद ढूंढ लेगा लोग। जबकि सब जान रहा है कि शराब हमारे लिए हानिकारक है और दूध हमारे लिए अमृत के समान है, नहीं बेनिफिशियल है, लेकिन दूध बेचने वाला एक कोना में बैठ जाएगा, कोई नहीं खरीदे। पनीर बेचने वाला एकदम कोना में खोल लेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन शराब कहीं भी होगा, कहा भी जाता है कि शराबी ऐसा होता है, जो बारात लड़का लोग बारात जाते होंगे, जो पीने वाला है, पहले जब मिलता था उतरने के बाद 10 मिनट में उसको पता लग जाता था कि कहाँ शराब मिलता है, खोज के निकाल लेता था। मतलब उसमें इतना पावर होता है कि आप पढ़ाई की बात, ज्ञान की बात 10 मिनट में खोज नहीं सकते हैं। लेकिन ठेका कहाँ पर है, जहाँ उसको ठेका कहा जाता है, जहाँ बिकता है, वो 10 मिनट में उसको खोज कर निकाल लेता है। उन लोग की देखिए, हम लोग आज जो सोच रहे हैं, अब सीधी बात है, नासा के बारे में पढ़िएगा तो नासा के वैज्ञानिक 1959 में पहले बार नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था, 1959 में या 69 में, ऐसे ही कुछ डेट है, लगभग आज से 50 साल पहले नासा जो है आदमी को, अर्थात नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर उतार दिया था। आज से कितना साल पहले? 50 साल पहले। लेकिन 50 साल पहले जिस जगह पर हम पहुंच गए, वहां से अभी तक हम कुछ ला नहीं पाए। ये 50 साल की हमारा जो अवधि है वह समझिए बेकार हो गया। आज से 50 साल पहले हमारा जो तकनीक था वह बेहतर था। आर्यभट्ट के समय का जो तकनीक था वह हमसे बेहतर था। आज जो हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उससे वर्स्ट होते जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा होते जा रहा है। तो 50 साल हम चांद पहले चांद पर पहुँच गए थे, अभी तक तो वहाँ से खनन करके ले आना चाहिए था, तब ना उपलब्धि होता। लेकिन 50 साल पहले पहुँचे थे, अभी भी नासा वहाँ जाने के बारे में ही, आदमी भेजने के बारे में ही सोच रहा है, इसरो को तो छोड़ दीजिए। तो वही बात है, कबीर दास जो थे और भी पुराने जो थे, आर्यभट्ट थे, बड़ा मिहिर वगैरह जो थे, पुराने खगोलविद जो थे, वो हजारों साल पहले जिस चीज़ों को कह दिए थे, आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो नवग्रह की पूजा सदियों पहले से हो रही है कि नहीं हो रही है? उन लोगों को कुछ आइडिया था, तब ने नवग्रह की बात की। भले समय के साथ 2006 में क्या हो गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो अभी 8 ही ग्रह हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ आइडिया था। उनकी जो विचारधाराएँ थी, उनकी जो सोचने की शक्ति थी, हम लोग से काफ़ी बेहतर थी। और हम लोग अभी जिस चीज़ को सीख रहे हैं वो लोग हजारों साल पहले सीख चुके थे, बहुत अंतर है। देखिए दूसरा